हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू UPHENI। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो अभी बजे हैं 6:30 एंड मैं उठ गई थी एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट सनराइज़ हो चुका है। तो अभी बाहर चलते हैं एंड यहाँ पे देखेंगे कि कैसा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यार जब ये फेस पे लग रहा है ना हवा, तो इतना अच्छा, इतना सुकून मिल रहा है। पता नहीं क्यों बट मुझे बारिश और ये जो मॉनसून का सीज़न है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो एनीवेज, रेडी होके चलते हैं जिम एंड वहाँ पर 1 से 1.5 घंटे बिताएंगे। एंड आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपने पूरे रूटीन विद टाइमिंग बताने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जिम से मैं वापस आ गई थी। इसके बाद अपना डेली जो रूटीन है वो करेंगे। क्विक शावर लेने के बाद मैंने आरती कर लिया एंड उसके बाद 10 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अब खाएंगे ब्रेकफास्ट, जो कि मैं रात में ही बना लेती हूँ, ओवरनाइट ओट्स। अगर आपको इसकी रेसिपी नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जो ओट्स होता है उसको रात में दूध में सोख करके रख देती हूँ एंड कुछ आलमंड्स और जो भी रेजिन वगैरह, नट्स वगैरह जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हो एंड थोड़ा सा हनी। एंड सुबह जब आप उठोगे तो एक फ्रेश फ्रूट्स के साथ उसको ले सकते हो। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट होता है एंड टेस्ट में बहुत अच्छा है। मैं शिया सीड भी डाल देती हूँ। फर्स्ट लॉट में मैं ये NCERT डाइजेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, अब जब इतना टाइम है तो मेरा जो NCERT बेस बना हुआ है उसको और थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। NCERT स्टार्ट करूँगी और अभी मैं ये वाले स्लॉट में करूँगी इन्वायरमेंट का। ये बुक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें न्यू और ओल्ड दोनों NCERT दिया हुआ है। आप कोई भी कंपाइलेशन ले सकते हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है। आप कोई भी NCERT का कंपाइलेशन ले सकते हैं और अगर आप चाहें NCERT पढ़ना तो आप NCERT भी पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी टाइम है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इन्वायरमेंट मेरा भी सही है तो मैं एक कंपाइलेशन उठा लेती हूँ एंड उससे एनवायरनमेंट पूरा करती हूँ। आज मुझे ये पूरा एनवायरनमेंट का NCERT कंप्लीट करना है। कुछ ऐसी 40 या 45 समथिंग का पेज है। तो मैंने आज का टारगेट यही सेट करा है कि मुझे ये पूरा NCERT एनवायरनमेंट का ख़त्म करना है एंड इसके साथ साथ NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी करूँगी एंड साथ में घटना चक्र के भी क्वेश्चन कुछ सॉल्व करूँगी। I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. एनवायरमेंट का ऑलमोस्ट 30 पेजेस कंप्लीट हो गया था एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब बनाएंगे अपने लिए कुछ हेल्दी सा लंच एंड मुझे कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं था तो मैंने यहाँ पे एक हैक देखा था इंस्टाग्राम में, तो मैं उसको ही कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने दही और चावल बना लिया है। मेरे पास कॉर्न रखा था तो मैंने वो चावल में डाल दिया अचार एंड प्लस छाछ। तो ये है मेरा आज का लंच। इसको कंप्लीट करके थोड़ी देर और रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद हम वापस से पढ़ने बैठेंगे। मौसम में बहुत अच्छा हो रहा है। बारिश हो गया था अभी थोड़ी देर पहले, हल्का हल्का बारिश हुआ था। इतना बारिश तो दिल्ली में अभी हो ही नहीं रहा है, इधर पटेल नगर के साइड पता नहीं क्यों, बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो खाना खाने के बाद मैं बैठी नहीं, थोड़ा देर बाहर पे टहल लिया एंड उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे। NCERT मैंने 30 पेज किया ना, तो जो टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया है उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एंड अभी इस टाइम पे मैं अपना थोड़ा टाइम प्लांटेशन पे भी दे रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरे जो तुलसी पौधा था इस पर पता है कीड़े लग गए, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि
इसमें मैं ऐसा क्या करूँ जो कीड़े जो वापस लगे हैं वो थोड़ा ठीक हो जाए। एंड यहाँ पे ना मैंने इस गमले पे बहुत सारी चीज़ें लगाई थी, बट ये पता नहीं क्या है जो ग्रो हो रहा है, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये शायद वो है वाटरमेलन। और ये देखो मेरा मनी प्लांट ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। ये मैंने दो पौधे मंगाए थे ऑनलाइन उर्वन ऐप से, तो अगर आप लोग भी दिल्ली में हो तो आप ये मंगा सकते हो, या फिर कहीं पर भी उर्वन अवेलेबल है। यहाँ पर भी मैंने कुछ ग्रो कर रखा है, एंड इसमें मैंने ना सनफ्लावर डाला था बट वो हो ही नहीं। और अब प्रॉपर ब्रेक लेने के बाद मैं क्वेश्चन करना बैठ गई हूँ, इसकी मदद से आंसर हाइड करते हैं। एंड ये है मेरा घटना चक्र का बुक, तो अब करते हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस। तो मैं अभी यहाँ पे पढ़ रही थी, एंड अगर आप लोगों को मेरी आंखें दिख रही होगी तो पूरी रेड हो रखी है। और अभी मैंने इसको ड्रॉप डालूँगी, ये वाला ड्रॉप डालूँगी अभी, एंड उसके बाद फिर अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे एक तो नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सुबह उठ रही हूँ आजकल, तो आदत नहीं है उठने की, तो ऐसा हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसको पढ़ूंगी थोड़ी देर में, पहले कॉफ़ी बना लेते हैं, आग धो लेती हूँ ठंडे पानी से, एंड उसके बाद वापस से पढ़ने बैठते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्लॉट में। सो गाइस, यहाँ पे मेरी कॉफ़ी रेडी है, एंड अब हम वापस से अपने पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। ये अभी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है एनवायरमेंट का पूरा सेक्शन, इसके बाद मैं बाकी चीज़ें पर मूव करूँगी। अभी मुझे ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं कुछ और स्टार्ट करूँगी। गाइस पता नहीं कैसे यहाँ पे इतनी सारी चींटी अभी आ रही थी ना, एक तो यहाँ पे चींटी भी बहुत है, आपको अगर दिख रहा होगा मैंने वहाँ पे पूरा लक्ष्मण रेखा लगा रखा था, बट फिर भी चींटियाँ आ रही है। अब पता नहीं ये क्यों आ रही है, जबकि मैं रूम नमक पानी से साफ़ करती हूँ, बट फिर भी पता नहीं आज कैसे आ रही है। यहाँ पे मैंने मिरर लगा रखा था, वो मैंने अभी धुल कर दिया है, ताकि अच्छे से मैंने भी पोछा लगाया और ताकि वो चींटियाँ वापस से ना आए, बट देखते हैं अब क्या होता है। मतलब दो बार मैंने अभी तक पोछा लगा दिया सुबह से, बट ये ना वापस बार बार आ जा रही है, पता नहीं कुछ खाना, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आ रही है ये चींटियाँ। और मैंने अभी एक मैंने दो तीन हैक देखा था यूट्यूब पे, एक तो मैंने देखा था कि विनेगर और पानी को मिला के अगर आप वहाँ पे छीट देंगे तो चींटियाँ नहीं आएगी, बट कुछ नहीं हो रहा उससे भी, आप लोग भी मत ही ट्राई करना ये वाला हैक। तो अभी हम जाएंगे बाहर, मुझे बहुत सारा सामान लेना है, सब्जी वगैरह, कुछ राशन, आटा, चावल, ये सब, क्योंकि मैं बहुत टाइम से दिल्ली में नहीं थी तो सारा सामान ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी हम बाहर जाएंगे, ऑनलाइन में मंगा लेती बट ऑनलाइन थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, तो मैं खुद जाके बाहर से जाती हूँ और लेके आती हूँ। बाहर निकल गई थी, कुछ सामान मैं भूल ना जाओ इसीलिए मैंने अपने हाथों में लिख लिया था कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लास्ट मोमेंट में याद आई। वैसे तो मैं अपने फ़ोन में लिख ही लेती हूँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। सबसे पहले हम गए राशन लेने, यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें लेनी थी, हनी वगैरह, वो लिया। फिर मुझे एक कबाड़ी की शॉप मिली, वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा एक चीज़ मिला है सिर्फ 40 रुपये में, तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी मैं सब्ज़ी मंडी आ गई थी, यहाँ पर मुझे आलू प्याज वगैरह बहुत कुछ लेना था, एंड यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह लेके फिर हम चलेंगे रूम पे। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ, अब देखते हैं मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मुझे एक बहुत ही अच्छा, बहुत तगड़ा डील मिला है, गाइस मैं ये लेके आई हूँ सिर्फ 40 रुपए का, सिर्फ 40। ये वाइट लाइट नहीं है, ये ब्लू लाइट में है थोड़ा, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यार 40 रुपए का वर्थ इट है, कबाड़ी की शॉप से मिला है मुझे। मैं जब कबाड़ी के आगे क्रॉस करी थी दुकान से, तो मुझे ये दिखा था, तो मैंने भैया से ऐसे ही पूछ लिया था कि भैया ये चलता है या नहीं चलता है, तो भैया ने कहा हाँ चलता है, ले जाओ 40 रुपए का, तो मैंने ले लिया था। तो अभी इस वीडियो को फ़िलहाल करते हैं यहीं पे एंड, अपने लिए डिनर बना के फिर मैं वापस से पढ़ने जाऊँगी एंड फिर सो जाऊँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, एंड कॉमेंट में लिखो कि येस आई कैन डू इट।